नेताजी मुलायम सिंह यादव के अंत्येष्टि स्थल पर नमन करके सोमवार को पूर्व सांसद और विधानसभा उपचुनाव के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव नामांकन के लिए मैनपुरी के लिए रवाना हुए। उनके साथ जिला पंचायत अध्यक्ष अभिषेक यादव समेत परिवार के कई लोग शामिल हुए। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कन्नौज से सांसद चुने जाने के बाद करहल विधानसभा सीट खाली हुई है। इस रिक्त सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के भतीजे और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि सोमवार सुबह 10:30 बजे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने सैफई स्थित आवास पर हवन पूजा किया। इसके बाद सैफई मेला ग्राउंड में बने नेताजी मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर पहुंचकर माथा टेकते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं बता दें कि फिर सैफई पेट्रोल पंप रोड स्थित पिता रणवीर सिंह यादव की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर आशीर्वाद लेकर अपने काफिले के साथ नामांकन के लिए रवाना हुए। वहीं बता दें कि उनके साथ विधायक प्रदीप यादव, चंदगी राम यादव प्रधान, राजवीर सिंह यादव आदि मौजूद रहे। सपा मुखिया अखिलेश यादव एवं सांसद डिंपल यादव लखनऊ से आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से होकर 12:30 बजे मैनपुर जिला मुख्यालय पहुंचे। बता दें कि जहां समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव, राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव, सांसद धर्मेंद्र यादव, सांसद आदित्य यादव, सांसद अक्षय यादव सहित समाजवादी पार्टी के मुखिया के परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में तय देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल फैक्ट्स।